नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लगभग एक सप्ताह पहले आए नए थाना प्रभारी ने काफी जगह छापेमारी कर कई गैर कानूनी कार्यों को बंद करवाया, जिससे कि गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों के दिलों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां अभी गौसगंज में एक बड़ा गैस रिफिलिंग का जखीरा पकड़ा गया था, जिसके चंद घंटों बाद थाना प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली कि एक पिकअप में भारी मात्रा में मिलावटी खाद तेल डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। तो वहीं पर थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और एक लोडर को अपने कब्जे में लिया। पुलिस को देखते ही चालक मौके से लोडर छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद लोडर को चेक किया गया तो उसमें 30 कैन रखे मिले, जिसमें लगभग 900 लीटर मिलावटी खाद तेल पाया गया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर हिमांशु सचान ने मिलावटी खाद तेल को अपने कब्जे में लिया और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पे हैं और आज थाना मुसलम किस बात को लेकर आना पड़ा? मेरा नाम सुमांशु सचान है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में खाद्य तेल जा रहा है विक्रय हेतु, तो सूचना पे मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। लगभग कितने लीटर तेल बरामद किया गया? 30 कैनों में है और प्रत्येक कैन में 30 लीटर तेल है और इतना तेल है। अग्रिम कार्रवाई अभी तक क्या की गई है? इनका सैंपल लेके सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर की रिपोर्ट।